200 लोग अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह एक साथ इकट्ठा खाना बनाकर रख देते हैं ताकि वह दोबारा से गर्म करके उस खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकें, परंतु कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो बासी होने के बाद ज़्यादा टेस्टी लगने लगते हैं। परंतु आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि एक दिन पहले अगर आप इन बासी खाद्य पदार्थों को माइक्रोवेव या फिर गैस पर दोबारा से गर्म करके इनका सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये कितना हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप किसी भी खाद्य पदार्थ को दोबारा से गर्म करते हैं तो इसकी वजह से खाने में मौजूद पोषक तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, अगर उनको दोबारा से गर्म किया जाए तो वह प्रोटीन नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि बासी खाने में बैक्टीरिया भी जन्म लेने लगते हैं। ऐसे में अगर आप बासी खाने को दोबारा से गर्म करके खाते हैं तो इसके कारण फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें बासी होने के बाद दोबारा गर्म करके सेवन ना करें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी है वो चीज़ें जिनको दोबारा गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मैं आपका दोस्त सुनील स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल एसके अमेजिंग वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर एक, आलू। दोस्तों, आलू एक ऐसी सब्जी है जो ज्यादातर सभी प्रकार की चीजों के इस्तेमाल में लाई जाती है। क्या आपको इस बात का पता है कि बचे हुए बासी आलू को दोबारा से गर्म करके इसका सेवन किया जाए तो इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो आलू में एक ऐसा बैक्टीरिया जन्म लेने लगता है जो बैटुलिज्म बीमारी का कारण बनता है। इस बीमारी में कमजोरी महसूस होने लगती है। इतना ही नहीं बल्कि धुंधला दिखाई देने लगता है और बोलने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। नंबर दो, चावल। जी हाँ दोस्तों, चावल का सेवन लगभग सभी लोग करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अगर खाने में चावल ना मिले तो उनका भोजन ही पूरा नहीं हो पाता। लेकिन बासी चावल को दोबारा गर्म करके इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी के अनुसार पका हुआ चावल जब बासी हो जाता है तो बेसिलस सेरेलस नाम का बैक्टीरिया चावल को दूषित बना देता है। ऐसे में अगर आप उसे दोबारा से गर्म करते हैं तो चावल जहरीला हो जाता है और इसके सेवन से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नंबर तीन, पालक। जी हाँ दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियों में से एक पालक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। परंतु बचे हुए पालक की सब्जी को दोबारा गर्म करके इसको खाने की भूल मत कीजिए। इसके कारण पालक में मौजूद नाइट्रेट दोबारा गर्म करने से कैंसरकारी हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि शरीर के ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। नंबर चार, चिकन और सी फूड। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग नॉनवेज खाना बेहद पसंद करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ बहुत सारा नॉनवेज बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और रात के बचे हुए बासी चिकन को अगले दिन लंच में दोबारा गर्म करके इसका सेवन करते हैं। अगर आपकी आदत भी कुछ ऐसी है तो इसको जितनी जल्दी हो सके बदल दीजिए, अन्यथा इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खतरे में आ सकता है। आपको बता दें कि चिकन को दोबारा गर्म करके इसका सेवन करने से फूड पॉइजनिंग का खतरा अधिक हो जाता है। सी फूड को भी हमेशा ताज़ा ही सेवन करना चाहिए। बासी सी फूड को दोबारा गर्म करने से उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ सकता है। नंबर पाँच, अंडा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पका हुआ अंडा या फिर अंडे से बनी हुई किसी भी चीज़ को दोबारा गर्म करके इसका सेवन करते हैं तो इसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि बासी अंडे में सेलमोनेला नाम का बैक्टीरिया जन्म लेने लगता है। इसलिए अगर बासी अंडे को दोबारा गर्म करके इसका सेवन किया जाए तो इसके कारण गंभीर फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त सुनील लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।